हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वो बताया है गाइस, आज के दिन तो बहुत ही खास है। ये कौन कौन जानते हैं? टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, स्पेशली फॉर टीचर्स। तो आज जो है टीचर डे है, और आज के दिन हमारे सर्वे राधा कृष्ण डॉक्टर सर्वेपाली का जन्म हुआ था, जो सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री भारत का रह चुके हैं। तो गाइस, इनके जन्मदिन पे हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं, यानी कि टीचर दिवस मनाते हैं। और शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप वहाँ पढ़ाई लिखाई करके वेल एजुकेट बनकर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करो, और मतलब बुरी नीति से पैसे कमाओ, राजनीतिक नीति से मतलब अलग ढंगों से गलत व्यवहार से आप पैसे कमाओ, ये नहीं होता है। शिक्षा का मतलब मुख्य ये अर्थ होता है कि अपने जीवन को जानना, सत्य मार्ग पर चलना और जीवन को सही ढंग से जीना, ये शिक्षा का अर्थ होता है। और शिक्षा इसे कहते हैं, और शिक्षा की नीति आप में जब तक बनी रहेगी, जब तक आप अपने आप को शिक्षा के अनुसार और शिक्षा के रूल के अनुसार सब चलते रहेंगे। अगर आप शिक्षक हो, अगर आप एजुकेटेड हो, तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान दोगे, वो क्या है? रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन काफी जरूरी होता है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज ऑल ऑफ रूल फॉर द ऑल पीपल एंड मेम्बर्स। तो गाइस, आप सबसे यही अनुरोध है, लाइफ में खुशी रहना है। खुश रहने के लिए कुछ तो भाई करना पड़ता है, और वो खुशी क्या होता है? वो आपकी ज्ञान, वो आपकी सोच, वो आपकी ह्यूमिनिटी पावर्स, वो आपकी थॉट्स, वो आपकी चेंजिंग ड्रीम्स। मतलब एक ड्रीम्स पे नहीं रहो, लाइफ में ड्रीम्स को चेंज करते रहो। अगर ड्रीम्स को चेंज नहीं करोगे ना, तो लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो। वो क्या है, क्यों बताऊँ? क्योंकि इसलिए ना कि जब तक भाग दौड़ का रास्ता नहीं बनेगा ना कि हमें ये करना है, वो चलना है, अब इसे अचीव करना है, अब ये अचीव कर लिया तो उसको अचीव करना है, फिर बेनिफिट नहीं है। क्योंकि बिना अचीवमेंट करने, बिना किए आपको कोई सक्सेस ही नहीं मिलता है, तो आप लूजर कहला जाओगे। ठीक है यार, मैं बहुत सा कुछ अब बात है सबको बता दिया, मैंने शेयर भी कर दिया। एक बात बताऊँगा, टीचर डे हम सब इसलिए मनाते हैं कि अपना जो भी प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं हमारे भारत देश का, तो जो भी उनकी यादें थी मतलब जन्मदिन पे, और वो गुरु हैं और महान गुरु हैं, जो मतलब उन्होंने एक जन्मदिन पे उनकी मतलब ये टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ की पूरे ऑल ओवर इंडिया किया जाता है। आज मैं आप सबको मैं दे नहीं पाया क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, और मैं भी सेलिब्रेट किया हूँ मॉर्निंग में बच्चों के साथ, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों का। आज तक मैंने इतना बार ब्लॉग बनाया, लेकिन आप लोगों को कभी भी दिखाया बच्चों को? कहीं नहीं दिखाया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद को दिखा दूँ चलेगा, आज तक मैंने अपनी फैमिली से किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जब अच्छा लगेगा, जब मेरे को सक्सेस होगा, सक्सेस होने के बाद, खुशी होने के बाद आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे और सबके साथ करेंगे। तो यही चाहेंगे, आप सबका सपोर्ट, प्यारा प्यार सपोर्ट रहे, और ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए। अभी जो फ़िलहाल है, और मतलब बहुत ही अच्छा जगह पर, यानी कि एहरे हैं, तो आप देख सकते हैं बैक की ओर, और बहुत ही अच्छा व्यूज़ है यहाँ पर। दोस्तों गाइस, इतनी बात सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा, और हूँ बनता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि गाइस कुछ भी बनाए थोड़ा तो लाइक कमेंट्स तो होना चाहिए, और साथ में सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर हो ना हो किसी का मतलब
मेरी एक मेरी वीडियो सब एक्सपीरियंस मोटिवेट हो गए कुछ करना, जुनून हो जाए, जुनून सा पैदा हो जाए आपके अंदर, ठीक है। मैं भी हार नहीं मान रहा हूँ, मैं इतना चीज़ ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसमें हार मानो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने के लिए छोड़ा नहीं, क्योंकि नेवर गिव अप गाइस, नेवर गिव अप, बोला गया ना कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, छोड़ोगे तो पछताओगे। तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए थैंक्स बाय।